तांबा एक ऐसी कमाल की धातु है जिसके बारे में इंसान बहुत पुराने समय से जानता है। तांबे को इसके अनेकों गुणों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरह के उद्योग धंधों में होता है, जैसे कि बिजली, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, रेफ्रिजरेशन, सुरक्षा, निर्माण और आर्किटेक्चर वगैरह। भारत का खनन और धातु विज्ञान से जुड़ा इतिहास पेलियोलिथिक युग तक फैला है। मोहिंजोदाड़ो में जो पुरातात्विक खुदाई हुई, वहां मिली चीजों से पता चला कि हथियार, छोटी मोटी चीजों, जेवरों और मुद्रा को बनाने में तांबा इस्तेमाल होता था। प्राचीन काल में आज के राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के कुल्लू गढ़वाल कहलाने वाले क्षेत्रों में तांबे के खनन और उसे पिघलाने का काम खूब होता था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के तौर पर हुई थी और ये भारत की इकलौती तांबे का खनन करने वाली कंपनी है। ये कंपनी आज एक मिनी रत्न का रुतबा पा चुकी है और इसे ये स्थान देश के लाभ के लिए भारत के तांबा खनिज संसाधनों को निकालकर उनका इस्तेमाल करने से प्राप्त हुआ है। भारत की कॉपर ओर की सभी सक्रिय खनन का अधिकार HCL के पास है, इसलिए देश में इस धातु की उपलब्धता को बढ़ाने के बड़े अवसर हैं। HCL के उत्पादों को उनकी बेहतरीन गुणवत्ता और भरोसेमंदी के लिए जाना जाता है। इसके प्रमुख उत्पाद हैं कॉपर कॉन्सेंट्रेट, कॉपर कैथोड्स और कंटिन्यूअस कास्ट कॉपर रॉड्स। इसके अलावा कंपनी और भी सह उत्पाद बनाती है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, एनोड स्लाइम, निकल कैथोड, रिवर्ट्स और ग्रैन्यूलेटेड स्लैग, साथ ही ग्रेनाइट रॉक और कॉपर ओर टेलिंग्स जैसे अपशिष्ट उत्पाद भी निकलते हैं। HCL की स्थापना 50 साल पहले इसलिए की गई थी ताकि वो तांबे को खोजने और उसका लाभ उठाने से जुड़े सभी संयंत्रों, परियोजनाओं, योजनाओं और अध्ययनों को अपने नियंत्रण में ले सके। इनमें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग भी शामिल है। HCL के कार्यक्षेत्र में शामिल हैं खेत्री नगर राजस्थान स्थित खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स, घटशिला झारखंड स्थित इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, मलांज खंड मध्य प्रदेश स्थित मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट, तलोजा महाराष्ट्र स्थित तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट और भरूच गुजरात स्थित गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट। अरावली की तलहटी में खेत्री माइन के विकास का काम NMDC ने शुरू किया था, जो 1967 में HCL के गठन के समय इसे हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में यहां स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग सुविधाएं भी शुरू कर दी गईं। खेत्री कॉपर कॉम्प्लेक्स की 3 सक्रिय खदानों में एक कॉन्सेंट्रेटर, एक स्मेल्टर और एक रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। इनकी क्षमता हर साल 31,000 टन कॉपर कैथोड्स बनाने की है। इसके अलावा उप उत्पाद सुविधा के तौर पर 2 सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स भी हैं। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1930 में घटशिला में मोसाबोनी कॉपर माइन के नाम से एक ब्रिटिश कंपनी के रूप में हुई थी। इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स में एक स्मेल्टर, एक रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट मौजूद है। हाल ही में इसे तकनीकी तौर पर और उन्नत बनाया गया है, जिस कारण इसका वार्षिक उत्पादन 16,500 टन से बढ़कर 18,500 टन हो गया है। ICC में 2016 में निकल रिकवरी प्लांट की स्थापना हुई। ये भारत में प्राथमिक स्रोतों से निकल धातु का उत्पाद करने वाली पहली फैसिलिटी है। मलांज खंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना 1982 में हुई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को एक ओपन पिट माइन के जरिए तांबा खनिज के इस्तेमाल के लिए स्थापित किया था। बीते वर्षों के दौरान गहराई बढ़ने के कारण अब इसे एक अति उन्नत भूमिगत तांबा खदान के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना 1989 में की गई थी। इसकी टेक्नोलॉजी को साउथवायर USA से लिया गया था। इस प्रोजेक्ट में कैथोड से कंटिन्यूअस कास्ट कॉपर वायर रॉड्स बनाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्लांट की वार्षिक क्षमता 60,000 टन है। 6 अक्टूबर 2016 को HCL ने अपनी झगड़िया भरूच गुजरात स्थित
पांचवी यूनिट राष्ट्र को समर्पित कर दी। झागड़िया कॉपर लिमिटेड की परिसंपत्तियों को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने 2015 में अधिग्रहित किया और इसका नया नाम रखा गया गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट यानी GCP यानी HCL की पांचवी यूनिट। इस प्लांट की क्षमता पर्यावरण अनुकूल तरीके से 50,000 मैट्रिक टन LME ग्रेड A कॉपर कैथोड्स का उत्पादन करने की है। कंपनी की योजना अपने खनिज उत्पादन को 34 लाख टन वार्षिक से बढ़ाकर करीब चौगुना यानी 1,22,00,000 टन करने की है, जिसके लिए मौजूदा खानों का विस्तार किया जाएगा। सिंहभूम कॉपर बेल्ट की बंद हो चुकी खदानों को फिर से खोला जाएगा और झारखंड में मौजूद छपरी सिद्धेश्वर कॉपर डिपॉजिट जैसी ग्रीन फील्ड डिपॉजिट का विकास किया जाएगा। राजस्थान में मौजूद बनवास माइन अब काम करने लगी है और इसकी वार्षिक क्षमता 6,00,000 टन है। HCL ने अपने कॉन्सेंट्रेटर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट टेलिंग से कुछ कमाई करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है। कंपनी बेशक आसमान छूने का लक्ष्य बना रही है, लेकिन वो अपनी जड़ों को नहीं भूली है। HCL पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ रही है। HCL पर्यावरण अनुकूल वातावरण में काम करने में विश्वास रखती है। अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों के एक हिस्से के रूप में HCL ने पीने का सुरक्षित पानी मुहैया कराने, वयस्क शिक्षा का आयोजन करने, रोजी के अवसर बढ़ाने, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर लगाने, बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों के संवर्धन, केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के सुर में सुर मिलाते हुए कौशल संवर्धन कार्यक्रमों के आयोजन, आसपास मौजूद समुदायों को सौर लाइटें उपलब्ध कराने, निजी शौचालयों के निर्माण और इन्हें परियोजना स्थलों के आसपास गांव वालों के सुपुर्द करने जैसी कोशिशें शुरू की हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन से मेल खाती हैं। पिछले 50 साल में HCL ने बारम्बार अपनी योग्यता साबित की है और अब समय है इन उपलब्धियों का जश्न मनाने का। राष्ट्र की कॉपर माइनर HCL पिछले 50 साल से सुखद जीवन की आकांक्षा के लिए लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके हाथ में इस अनोखी और बहुउपयोगी धातु की मशाल है, देश की कॉपर माइनर HCL।